कहते हैं तीर्थराज सत्य में यथार्थता में विनम्र मृदुमय वाणी से कहता हूं, मुझे बार बार भगवत चरणों में प्रीति चाहिए, दे सकते हो। और यहां तीर्थराज प्रयाग ने त्राहिमाम कर दिया और कहा कि जग जपि राम राम जपि तो ही धन्य भरत तो ही समना सने। सारी दुनिया राम को भजती है भरत, और अब राम तुम्हें भजने लगे, ऐसा कोई स्नेह नहीं होगा, ऐसा कोई स्नेही नहीं होगा। तीर्थराज प्रयाग से दर्शन करके हर तीर्थ से, जहां भी उनको तीर्थ मिलते हैं वहां का जल भरत जी अपने साथ लेके चले जा रहे थे। भगवान को चित्रकूट में आता हुआ ये समूह दिखाई देता है, भगवान मौन है, शांत है, लक्ष्मण को क्रोध आ जाता है। कहते रे ये केकई ने पहले तो वनवास कराया, अब यहां भी नहीं रहने देती, पहले तो घर से बाहर निकाला, अब यहां भी युद्ध के लिए आ रहा है। आहा केकई तो केकई रही, आज भाई भरत भी बैरी हो गया। भगवान ने कहा देखो लक्ष्मण, धनुष उठा करके आप रख दो, क्योंकि आज तुम्हारे जैसे 100 लक्ष्मण भी भरत का बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि आज भरत राम से मिलने आ रहा है। अस्तु ये जीवात्मा जब परमात्मा से मिलने आती हो, और सच्ची आत्मा सच्ची भावना और आस्ती से आती हो, तो इसे कोई रोक नहीं सकता। और भगवान राम को और भरत के मिलाप के समय एक बाबा जी ने बड़ी सुंदर पंक्ति कही है कि त्याग हुताप चाप यरु बेसा। भरत जब भगवान से मिलने लगे तो भगवान ने 3 चीजें छोड़ दी थी, ताप चाप अरु बेसा। ताप यहां उपमा दिया है कि भगवान का शरीर क्रोध में इस तरीके से जल रहा था जैसे मानो ज्वर हो गया, बुखार में शरीर जलने लगा, लेकिन भरत को देखते ही वो शीतल हो गया। दूसरा, भगवान ने अपना धनुष और बाण भी नीचे रख दिया था। एक क्षत्रिय अगर अपना शस्त्र नीचे रख दे तो शरणागति कहते हैं उसको। संतों ने तर्क किया कि महाराज भगवान ने चाप क्यों छोड़ दिया, कहने लहा जहां प्रेम हो वहां शस्त्र की जरूरत नहीं, शास्त्र की जरूरत होती है, और जहां शास्त्रों की पद्धति से कार्य होता है वहां शस्त्र की कभी आवश्यकता नहीं। बेसा यानी भगवान के बलकन वस्त्र भी नीचे गिर गए थे। संतों ने कहा यह क्यों कर दिया, कहने लगे महाराज वस्त्र माया का प्रतीक है, और जब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता हो वहां माया की कोई जगह नहीं होती, इसलिए भगवान ने वस्त्र को फिकरा दिया। सुने ना जानकी केकई, देखिए आज वही केकई जानकी को गले लगाकर रुदन कर रही है। कौशल्या सुमित्रा सारे अवध के लोग आज रुदन कर रहे हैं कि प्रभु लौट चलो, आज चलो। भगवान ने कहा नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन ना, अब नहीं जाना। कल के प्रसंग में आपने सुना वशिष्ठ इत्यादि ने समझाया कि भाई क्या रीति निकाला जाए। भरत से कहा है वशिष्ठ ने के देखो भरत, प्रभु की चरण रज लेकर करके आदमी भव पार हो जाता है, इसलिए अगर तुम्हारा भाव है
तो इन पादुकाओं को ले चलो, इन पादुकाओं के सहारे रख करके तुम अवध को संचालित करना। इन भगवान की पादुका का आपके घर में होने का मतलब भगवान के होने का आभास कराता है। आपके घर में अगर पीतांबरी है तो भगवान के होने का आभास है, पादुका है तो भगवान के होने का आभास है। और पादुकाओं को लेकर के भरत जी आए हैं, अवध की गद्दी पे पादुकाओं को रखा, लेकिन स्वयं नहीं कि जब एक अकेला जा करके रह सकता है वनवासीता, तो मैं भी आप बताऊंगा जीवन अपना सन्यासी सा। राजपाट को छोड़ दिया, महाराज नंदीग्राम में जाकर स्मरण करने लगे हैं। ये वही पादुका है ना तिवारी जी, जिन्होंने जनकपुर में वादा कर दिया था। भगवान राम का विवाह जब हुआ, जनकपुर की सखियों ने उनकी पादुका को चुरा लिया था, कहे ये हमारी कुल की देवी हैं, इनके चरण छुओ। लक्ष्मण जी का ध्यान नहीं था, राम जी भाव विह्वल थे, भरत जी की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने कहा कि अगर भगवान ने इन पादुकाओं को हाथ लगा दिया तो मर्यादा भंग हो जाएगा। भरत जी ने उन पादुकाओं को उठा करके माथे से लगा लिया था और इतने में उन पादुकाओं ने कह दिया था कि अरे भरत जाओ, आज तुमने हमारी मर्यादा बचाई है, एक दिन हम तुम्हारी मर्यादा बचाएंगे। आज उन्हीं पादुकाओं ने भरत जी की मर्यादा बचा दी। और जो भरत जी सारे तीर्थों का जल एकत्र करके लाए थे, दशरथ के पूर्वजों की जो अस्थियां बिखरी हुई थी उन्हें इकट्ठा करके एक कूप यानी कुएं में डाला गया और उसी में वो पानी डाल दिया गया, जिसे आज भरत कूप के नाम से जाना जाता है। हर चित्रकूट का घाट घाट पर देखे सेवरी बाब, मेरे आ जाओ बाब, मेरे आ जाओ चित्रकूट का घाट घाट पर देखे सेवरी बाब, मेरे आ जाओ मिलने जरूर आएंगे। और मिलनी रोज सेवा करती है और भाव करती है, अपने राम जी को कहां मैं बिठाऊंगी, अपने राम जी को कहां मैं बिठाऊंगी, कहां मैं अपने राम जी को कहां
पर देखे सवरी बाट राम मेरे आ जाओ अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊंगी लगे मीठे मेरे राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ चित्रकूट का घाट घाट पर देखे सवरी बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ सवरी रोज रास्ते को गुहारती केसों से गुहार की मेरे राम कब आएंगे कांटों को हटा देती है जंगल के बेर को चख चख के लाई भगवान का आगमन हुआ है लक्ष्मण को और राम को बिठा दिया भीलिनी ने अपने जूठे बैर भगवान को दे रही खा के फिर दे रही लक्ष्मण जी ने कहा रे भैया को कुछ अक्ल है मुंह से लार गिर रहा है जूठा है जाति से भीलनी इसका जूठा खा रहे राम जी खा रहे हैं लक्ष्मण जी को देती तो लक्ष्मण जी उसे फेंक देते थे खाया नहीं लक्ष्मण ने और अध्यात्म के आधार से प्रेम का निरादर नहीं करना चाहिए और वही बेर द्रोणागिरी पर जाकर पड़ा उसी से उत्पन्न हुआ लक्ष्मणा संजीवनी जिसे हम कहते हैं और एक दिन उसको खाना पड़ा महाराज प्रेम का त्याग नहीं करना अगर प्रेम का निरादर करोगे तो ऐसे ही दशा होती है दूसरा दृष्टांत अध्यात्म में आया कि नींद नाज भोजन तजे तासु मारो मेघनाथ मरे जिसने नींद को त्याग किया नारी का त्याग किया और भोजन का त्याग करे उसी के मारने से मेघनाथ मरने वाला था पूरे 14 वर्ष में लक्ष्मण जी ने आहार नहीं किया यही कारण था कि भगवान ने परीक्षा लिया था वहां कि ये मेरा छोटा बता है लक्ष्मण नाम नाम रघुव्राता लक्ष्मण नाम मोर लघु पंचवटी में भगवान ने कहा था ना सुरपणखा लक्ष्मण नाम है ये मेरा छोटा भाई वो परीक्षा नींद नारी भोजन तजे ताको मारे मेघनाथ मरे अपने राम जी को मन में बिठाओगे मन में बिठाऊंगी मन में बिठाऊंगी तेरे मन में रिधरे तुम्हारा धन करे बावला तेरा गुड़का राम मेरे आ जाओ तुम्हारा धान करे बावला तेरा गुड़का राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ चित्रकूट का घाट घाट पर देखे सवरी बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ चित्रकूट का घाट घाट पर देखे सवरी बाट राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ राम मेरे आ जाओ
भगवान हरे राम नाम की है माला जपेगा कोई किस्मत वाला राम नाम की है माला जपेगा कोई किस्मत वाला राम नाम की है माला जपेगा कोई किस्मत वाला खड़े हो जाइए आरती के लिए हरे राम नाम की है माला भजेगा कोई जपेगा कोई किस्मत वाला जपेगा कोई किस्मत वाला Thank you.
शांति पृथ्वी शांति राम शांति रोगदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि हस्ते पुष्पाण्यादाय मत पुष्पाञ्जलि हरि ओम जगने नरमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमान सचंत जत्र पूर्वे साध्या संति देवा हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम दासरथाय विद्महे श्रीजानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् हरि ओम विदेहजाय च विद्महे श्रीराम प्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे श्रीरामदासाय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात् सेवंती कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पै विल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे वे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर सांगायो सायुधायो सशक्तिकायो सावानायो सपरिकरायो मंडल मंडप देव सहिताय इस मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि बोले श्री बांके बिहारी लाल की।